हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? और ये है प्रोबेबिलिटी का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसका वीडियो है, जिसके अंदर अपन गेट के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप पहली बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहे। अच्छा, एक और चीज़ आपको कहनी है, जब आप उस वीडियो को देखते हो तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको, वो क्वेश्चन ज़रूर कीजिए करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके कमेंट करके मुझे आंसर बताया करें कि हाँ ये आंसर आया, ठीक है। उससे मुझे लगता है हाँ आप लोग काफ़ी कुछ कर रहे हो। बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हो, बताते नहीं हो क्या कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए। जो भी मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है गेट प्रिपरेशन, आप लोगों ने कमेंट किए थे तो मैंने स्टार्ट किया है, बट उतना इंटरेस्ट आप शो नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों। ठीक है, गेट का एग्ज़ाम भी पास में आ रहा है, तो अगर आप इंटरेस्ट शो करोगे तो मुझे भी मज़ा आएगा, मतलब वीडियो बनाने में, बट आप इंटरेस्ट शो नहीं करोगे तो फिर हमको फिर ऐसा होगा कि अगर आप देखोगे नहीं तो फिर मुझे ये सीरीज़ बंद करनी पड़ेगी और किसी और के वीडियो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे अलग अलग बोल रहे, लेकिन मैंने गेट को प्रीफर किया क्योंकि आपके कमेंट जो है गेट के लिए ज़्यादा आए थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने फ्रेंड के साथ सब जरूर शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और एक माहौल क्रिएट होगा जिसमें अपन को सबको मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर कीजिए, ओके। और जो भी टॉपिक आपको हार्ड लगता है वो टॉपिक मुझे कमेंट करके बताइए कि ये हार्ड लगता है, मैं ऑफकोर्स जितना ईजी हो सकता है उतना ईजी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, और एक और चीज़ है कि अगर आपको अदर टॉपिक मैथ्स के करने हैं तो वैसे मैंने ATC के प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे मैथ्स के टॉपिक कराए हुए, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन कराया हुआ है, लिमिट कराया हुआ है, फंक्शन कराया हुआ है, बहुत सारे टॉपिक कराए हुए हैं, तो उन टॉपिक से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बेसिकली वो गेट के लिए भी बहुत काम आएंगे, तो उसको भी आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन देखते हैं, ये गेट 2018 में PI ब्रांच में आया था, तो उसको देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप लोग कर लोगे, इसमें कुछ हार्ड वाली बात नहीं है, देखो आराम से कर सकते हो। आपको पूछा है PFUG कितना होगा, तो सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद ही है, PFUG हो जाएगा आपका PF प्लस PG माइनस PF इंटरसेक्शन G। अब आपको क्या करना है, PF दिया हुआ 0.3, PG दिया हुआ 0.4, माइनस क्या करना है 0.2, तो ये आ जाएगा 0.7 माइनस 0.2, इसका मतलब हो गया 0.5। क्लियर स्टूडेंट? तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है कि डाइस को थ्रो किया है और 5 टाइम थ्रो किया, और आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 4 टाइम्स 1 आना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आउटकम्स बहुत ज़्यादा होता है, जैसे फाइव एक डाइस को 5 टाइम्स आप थ्रो करोगे तो 6 की पावर 5 आएगा आउटकम्स, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में सिंपल से आपको कितनी बार सक्सेस चाहिए, 4 टाइम्स चाहिए। सबसे पहले 1 के आने की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। नहीं आने को अपन कैसे लिख देते हैं, क्यू से, कितना हो जाएगा नहीं आने की, 1 माइनस 1/6, मतलब कितना हो गया, 5/6। अब आपको क्या चाहिए, 4 टाइम सक्सेस चाहिए, एटलीस्ट 4 टाइम चाहिए, मतलब या तो 4 टाइम्स मिल जाए, एटलीस्ट का मतलब होता है या 5 टाइम्स मिल जाए। देखो 5 बार उछाला, या तो सक्सेस आपको 4 बार मिल जाए या 5 बार मिल जाए। अब यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ये मैंने आपको बताया हुआ है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, अगर नहीं नहीं पता है तो पहला वाला वीडियो देखिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, NCR P, पी की पावर आर, फिर क्यू आता है Q की पावर 1, फिर इसका सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 5C5 और P की पावर 5, Q की पावर 0, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा ये 0.33 आएगा, लेकिन आपको परसेंटेज में निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 0.33 नहीं आएगा, 0.033 आएगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये आ जाएगा 0.3%। क्लियर, कैलकुलेशन आपको करनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये आपका गेट 18 में मैकेनिकल ब्रांच में आया था, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, हो जाएगा ये आराम से क्वेश्चन। इस टाइप क्वेश्चन आप कर लेंगे, अगर नहीं आ रहा समझ में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें प्रॉब्लम हुई, तो मैं आपकी सॉल्व कर दूंगा। और कमेंट जरूर करा करो यार, मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो, ठीक है ना, कैसा भी कमेंट करो लेकिन कमेंट जरूर करा करो, ठीक है। और बताया करो मुझे कौन सा नेक्स्ट टॉपिक कराना है, क्या करना है, सब कुछ बताया करो, तो मुझे मज़ा आता है एक्चुअली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, पहले ये क्वेश्चन को आप पढ़िए आराम से, उसके बाद खुद इसको पॉज कीजिए, फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये भी आपको गेट में आया हुआ है और ये गेट मैकेनिकल में आया था, ये गेट 18 मैकेनिकल सेट ए उसके अंदर आया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आप मेरे तीनों वीडियो देख ले तो प्रॉब्लिटिक है, तो आई एम श्योर आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको बोला है कि 4 रेड बॉल है, तो एक बॉक्स बना लेते हैं अपन, ये बॉक्स ले लिया मैंने, इसके अंदर 4 रेड बॉल है, तो 4 रेड बॉल, फिर 4 ग्रीन बॉल है, 4 ग्रीन बॉल, और फिर 4 ब्लू बॉल है, 4 ब्लू बॉल। अब आपको बोला है
कि इस बॉल इस बॉक्स में से तीन बॉल निकाल जाती है, और विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब निकाल दी तो वापस रिप्लेस नहीं किया, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल थ्री बॉल्स आर रेड, तो टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल फोर है, मुझे कितनी निकालनी है, तीन, किस में से, रेड में से, तो 4c3 अपॉन 12c3। बस अब 4c3 मतलब कितना हो जाएगा, फोर, 4c3 मतलब फोर ही होता है, 12c3 हो जाएगा 12 × 11 × 10 अपॉन 6। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1/55, तो आंसर हो जाएगा 1/55। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सो करने की कोशिश कीजिए आप। आपको बोला एक क्लास ऑफ 12 चिल्ड्रन हैज़ टू मोर बॉयज़ देन गर्ल। देखो सबसे पहले एक क्लास के अंदर 12 बच्चे हैं, उसमें दो मतलब बॉयज़ जो है गर्ल्स से ज़्यादा है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, फाइव गर्ल्स होगी तो सेवन बॉयज़ होंगे, क्योंकि अपन को बोला है बॉयज़ का जो नंबर है वो गर्ल्स से दो ज़्यादा है, तो फाइव बॉयज़ होगी। अब आपको क्या करना है, तीन चिल्ड्रन का एक ग्रुप बनाना है, तीन चिल्ड्रन का ग्रुप बनाना है, और ग्रुप ऐसा बनाना है कि उसके अंदर लड़कियाँ ज़्यादा होनी चाहिए और लड़के कम होने चाहिए। तो कैसे हो सकता है तीन ग्रुप, या तो उसमें दो लड़कियाँ हो और एक बॉय हो जाए, या फिर क्या हो सकता है, तीनों लड़कियाँ हो जाए, तीन गर्ल्स हो जाए, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो पहला वाला केस के अंदर कैसे बनेगा, कि पाँच में से दो लड़कियाँ चुन लो और सात में से एक लड़का चुन लो, प्लस अपॉन अगले वाले में क्या हो जाएगा, फाइव में से तीनों लड़के लड़के चुन लो, टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 12 में से आपने तीन चुने हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे, समझ में आ गई बात, पहला केस क्या होगा, पाँच में से दो लड़के चुन ली और सात में से एक लड़का चुन लिया, नेक्स्ट वाला केस तीनों लड़के चुन ली, क्योंकि आपको लड़कियाँ ज़्यादा रखनी है, इसके अलावा कोई केस नहीं होगा। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 4/11, ओके, सो आंसर वुड बी डी। क्लियर है सबको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना हार्ड कुछ नहीं है, आराम से आप कर सकते हो, अगर आपने मतलब तीनों वीडियो प्रीवियसली तीनों वीडियो आराम से देखे हैं तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला एक बॉक्स है, उसके अंदर फाइव रेड एंड फाइव ब्लैक बॉल है, ठीक है, ये बॉक्स ले लीजिए, इसके अंदर फाइव रेड और फाइव ब्लैक बॉल है। अब आपको बोला है कि वन बॉल इज पिक्ड एट रैंडम, एक बॉल निकाली जाती है एंड डिस्कार्डेड विदाउट नोटिसिंग इट्स कलर, कलर को नोटिस किए बिना उसको निकाल दिया जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल इन सेकेंड ड्रॉ, आपको बताना सेकेंड ड्रॉ के अंदर निकालने पर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सोच के बताओ, पहले पॉज करो और फिर देखो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। चलिए अब देखिए कैसे करना है। देखो आपको बोला सेकेंड वाले के अंदर रेड बॉल आनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखो ये चीज़ दो चीज़ों से पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, ठीक है। देखो एक सेकेंड, कंटेन फाइव रेड और फाइव ब्लैक बॉल है, फर्स्ट ड्रॉ वन बॉल इज पिक्ड एट रैंडम डिस्कार्डेड विदाउट नोटिसिंग इट्स कलर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इन सेकेंड ड्रॉ, तो क्या हो सकता है सेकेंड में आनी चाहिए, तो फर्स्ट में क्या आ गई, ब्लैक बॉल आ गई, तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 5/10। अब रेड बॉल आई तो उसकी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/9। क्लियर हो रहा है, पहला केस तो ये हो गया, ठीक है। अब और क्या हो सकता है, क्योंकि सेकेंड टाइम में अपन को रेड बॉल चाहिए थी, तो हो सकता था फर्स्ट टाइम में ही रेड बॉल आ गई और फिर सेकेंड बॉल में वापस रेड बॉल निकल गई, तो देखो फर्स्ट टाइम में रेड बॉल निकल गई तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5/10, और फिर से रेड बॉल निकलनी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपके भाई, 4/9, ओके, तो आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन आप देखिए कैसे करेंगे। देखो आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया होगा, पहले इसको पॉज कीजिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। देखो सिंपल से आपको बोला है सेकंड वाले के अंदर रेड आनी चाहिए, एक बॉक्स है उसके अंदर आप देख लीजिए फाइव रेड है और फाइव ब्लैक बॉल है, मुझे सेकंड वाले में कैसे करके रेड बॉल चाहिए, तो ये केस दो तरीके से हो सकता था। देखो फर्स्ट रेड बॉल आ गई, सेकेंड भी रेड बॉल आ गई, चलेगा, या फर्स्ट ब्लैक बॉल आ गई, सेकेंड रेड बॉल आ गई। अब सिंपल से रेड बॉल आने का अगर ऐसा केस होता तो क्या प्रॉब्लिटी थी, 5/10, और अगली रेड बॉल आने की 4/9, प्लस अब फर्स्ट ब्लैक आ गई तो ब्लैक आने की प्रॉब्लिटी 5/10, लेकिन रेड आने की प्रॉब्लिटी, अब बॉल कितनी बची है, 9, लेकिन आपके पास में रेड कितनी है, 5 है, तो 5/9। इसको आप सॉल्व करते तो 20/90 आता, इसको करते तो 25/90 आता, तो ये हो गया 45/90, मतलब 1/2 ए इज द राइट आंसर, ओके, क्लियर आपको, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर देते हैं, और अगर आपको फिर अच्छे लगे क्वेश्चन की और कराने चाहिए प्रीवियस के क्वेश्चन, पांच छह क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, मुझे मैं आपका इंटरेस्ट देख रहा हूँ, अगर आपको लगे कि ये वीडियो और आगे बढ़ाना चाहिए, और क्वेश्चन कराना चाहिए, तो मैं और क्वेश्चन करा दूंगा, बेसिकली मैं आपका इंटरेस्ट चेक कर रहा हूँ, और प्लीज़ अगर आप इंटरेस्ट शो करेंगे तभी मैं वीडियो कंटिन्यू कर पाऊंगा। अगर आप अगर मुझे लगेगा हाँ गेट के इतने स्टूडेंट नहीं हैं तो मैं फिर क्वांट सेक्शन वापस क्वांट सेक्शन, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कहा था कि नहीं सर गेट के पहले पढ़ाओ, क्वांट के तो पूरे यूट्यूब पे मिलते रहते हैं, तो आप गेट का कराओ गेट का कराओ, तो मैंने गेट आपके लिए स्टार्ट किया है, और मैं बहुत मेहनत लगती है इसके अंदर वीडियो बनाने के अंदर, तो अगर आप इंटरेस्ट नहीं रखोगे तो सिंपल सी बात है फिर मुझे दूसरी चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा,
क्योंकि जब आप पढ़ना ही चाहते हो तो फिर मैं दूसरी चीज़ पर फोकस करूँगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कमेंट करके बताओ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ चलो ठीक है करना चाहिए। तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मैं कोर्स कराने कंप्लीट करूँगा। और दूसरी बात है कि मैं उस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको गारंटी है कि वो वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आप क्वांट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर पाओगे अगर आपने मेरे वीडियो अच्छी तरह से देखे हो। क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आधे घंटे की वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकूँ। तो बहुत मतलब 3-4 घंटे लगते हैं मुझे उस वीडियो को तैयार करने के अंदर कि मुझे क्या क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड करना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि मेरी मेहनत तभी सफल हो सकती है जब आप थोड़ा पढ़ोगे। अब एक दो कमेंट आने से फिर मुझे ऐसा लगता है कि चलो आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। अगर आप चाहते हो, वाकई में चाहते हो कि ये वीडियो कंटिन्यू चलते रहे और आप हायर मैथमेटिक्स में और अच्छे हो जाओ, तो उसके लिए यार आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। थोड़ा आपको कमेंट वमेंट भी करने पड़ेंगे, थोड़ा मुझे बताना पड़ेगा ये टॉपिक कराना चाहिए, ये टॉपिक कराना चाहिए। आई नो कि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है, गेट के लिए ऑलरेडी वीडियो है, मैंने देखी भी हैं, ठीक है। लेकिन उन वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं मतलब मुझे ऐसा लगा कि पूरा कंप्लीटली कोर्स किसी भी वीडियो में नहीं कराया हुआ है। दूसरे चैनल के अंदर कुछ कुछ पार्ट कराया हुआ है, कुछ पार्ट छुड़ा दिया, कुछ पार्ट करा दिया, कुछ पार्ट छुड़ा दिया। मैं आपको कंप्लीट जो टॉपिक कराऊंगा मैं वो पूरा कराऊंगा। जैसे मैंने न्यूमेरिकल मेथड कराया आपको, तो मैंने न्यूमेरिकल मेथड पूरा कराया आपको, उसके अंदर आप सब देख सकते हो। पाँचों वीडियो अगर कर लिए तो आपके गेट में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। वैसे ही मैंने प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ कराया है। तो प्रोबेबिलिटी का अगर वीडियो देख लोगे 3, तो गारंटी आप वहाँ पर भी क्वेश्चन, ये सब गेट में आया हुआ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, ये सब अपन ने किए हैं तो आराम से हो रहे हैं। तो आप चाहते हो कि मतलब ये वीडियो ऐसे अपलोड होते रहे, तो थोड़ा सा यार आपको माहौल बनाना पड़ेगा। नहीं तो होगा क्या कि मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत से क्वांट मतलब बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो क्वांट चाहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो जूनियर एग्जीक्यूटिव कुछ और क्लास चाहते हैं, कुछ 11th 12th की मैथ्स चाहते हैं। बट अगर मैं गेट पर फोकस कर रहा हूँ तो सिर्फ आपके लिए फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। वो 400 500 जो 1000 बच्चे हैं मैं उनके लिए फोकस कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अगर माहौल बनाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं ज़्यादा वीडियो बनाने पर कोशिश करूँगा। नहीं तो होगा क्या, जैसे मैंने मतलब 4 दिन से मैं वीडियो डाल रहा हूँ लेकिन मतलब हार्डली 3 या 4 कमेंट आए हैं। तो आप अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ उसको कमेंट करो। अगर आपको पसंद नहीं आता तो उसको डिसलाइक करो और उसके नीचे जो भी गंदा कमेंट करना है वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट ज़रूर करो। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को देना है, सॉल्व करना है और मुझे बताना कमेंट के अंदर कि सर ये वाला आंसर है। एक दो बच्चे कमेंट करते भी हैं तो मैं उनसे बोलूँगा ये वाला क्वेश्चन सौरभ गर्ग, ये वाला क्वेश्चन करना डियर, और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और बाकी लोग भी सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताइए और थोड़ा माहौल बनाइए यार, थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं क्या मतलब उतना मज़ा नहीं आ रहा जो पहले मज़ा आता था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आपके जो भी मित्र है, फ्रेंड है, जो भी गेट की प्रिपरेशन करे उनको थोड़ा शेयर करो यार। अच्छा लगेगा कि मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ बच्चों की, ठीक है ना। काफ़ी लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन वही बात है, अगर आप शेयर करोगे तो जो इसकी प्रिपरेशन कर रहा है उसके पास वो पहुँचेगा तो उसको ज़रूर फ़ायदा होगा, आपको भी दुआ मिलेगी। तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताना कैसा लगा वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने सबसे ज़्यादा ये बोला है कि मतलब कमेंट करो, ये करो। आपको शायद बोरिंग भी लगा होगा कि सर बार बार क्या चीज़ बोल रहे हैं, बट अगर आपको सीरियसली मतलब पढ़ना है तो आप मुझे, मैं आपको जगा रहा हूँ, आप मुझे जगाओगे तो मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। बेसिकली मैंने मैथमेटिक्स बहुत पढ़ी है, बहुत सारी किताबें पढ़ी है। अगर आप मेरा अगर यूज़ ले लोगे तो आपके लिए बहुत काम आने वाला वो नॉलेज, चाहे वो क्वांट का हो चाहे किसी का भी हो, ठीक है। मैं हर चीज़ बहुत ईजिली समझा सकता हूँ आपको, बहुत ईजिली समझा सकता हूँ। जो बाकी टीचर करते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ, बहुत ईजिली समझा सकता हूँ आपको। बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। गारंटी है कि आपको मैं जो पढ़ाऊंगा आपको एकदम क्लियर होगा ध्यान में, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आप थोड़ा सा अपना प्यार बताएं ताकि मुझे भी मन करे कि चलो ठीक है यार, रात को वीडियो बनाते हैं, सुबह वीडियो बनाते हैं, हर दिन 2 वीडियो देने का मन करे। अब होता क्या, मैंने वीडियो डाला उस पर मुझे उस पर 3 या 4 कमेंट आते हैं तो एकदम हिम्मत टूट जाती है कि यार बच्चे पढ़ना ही चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप पढ़ोगे तो मुझे पढ़ाने मज़ा आएगा, अपनी पढ़ोगे तो सिंपल सी बात है फिर मैं क्या करूँगा, फिर पढ़ाना बंद कर दूंगा और क्या। चलो थैंक यू सो मच और सॉरी आपको थोड़ा बोर किया मैंने, थोड़ा ये भाषणबाजी की, उसके लिए सो वेरी सॉरी। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।